ये सारे ड्राई फ्रूट्स ओवरनाइट सोक रहने की वजह से इनका छिलका अच्छे से निकल जाएगा। छुआरे भी अच्छे से फूल चुके हैं, सिर्फ प्रेस करोगे तो छिलका निकल जाएगा। इसको पेपर पे डाल के हम सुखा लेंगे। जैसे ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा फूंक मारिए आप और उसका छिलका हट जाएगा। सारे ड्राई फ्रूट्स को वॉश करके अच्छे से इनका कवर निकाल लिया है। अब करेंगे इनके चॉपिंग। मैंने जो पैकेट लाया था ये ऑलरेडी रोस्टेड सेवैयाँ हैं। अगर आपकी नॉर्मल सेवैयाँ होगी तो उसको घी में थोड़ा भून के फिर डाल देना। बस थोड़ा सा थिकनेस ऐड करने के लिए मैंने यूज़ किया है मिल्क पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, कई लोग यहाँ पे थोड़ा मावा या कंडेंस मिल्क भी यूज़ करते हैं। दूध को करने ही देना है, बस साइड की फ्लेम पर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। स्लो फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनना है। इसका कलर चेंज मत करना, जैसे इसकी खुशबू आने लगे इसको दूध में ऐड कर देना। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा रोज वाटर भी ऐड कर सकते हो। ज़ाफ़रान ऐड करना मत भूलना।